अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, हम सब इंफॉर्मेशन बेस में रह रहे हैं। आजकल तो बच्चे भी सब चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हम रोज देखते तो है, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्वालिटी भी नहीं जानता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, लैपटॉप चार्जर। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने इसके चार्जर में ये सिलेंडर देखा होगा। हम इसे देख के तो है, लेकिन इसका पर्पस चंद ही लोग जानते हैं। असल में इसे फेरेट्स बेट कहा जाता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस कॉल लैपटॉप की इलेक्ट्रिक सर्किट में आने से रोकता है, पर यह इंडक्टर होता है जो की लैपटॉप के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल की प्रेडिक्शन और कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। सिंपल अल्फाज में ये छोटी सी चीज बहुत ही काम आती है और लैपटॉप की खराब होने से बचाती है। नंबर 4, हेडरेस्ट एंड कार। दोस्तों, आप सबने कार्स की सीट पर ये सीट देखे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनका फ्रेस सर रखने का होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका मकसद सर रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद के लिए बनाए ही नहीं। इनका सबसे पहला काम ये है कि एक्सीडेंट के वक्त इंसान अपनी गर्दन को टूटने से बचा सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट में झटका लगाता है। अगर ये सर के पीछे ना हो तो इंसानी गर्दन टूट सकती है। इसके अलावा शायद आपने नोट किया होगा कि ये हेडरेस्ट ऐसे बनाए जाते हैं कि इन्हें कोई भी ओपन कर सकता है। इस डिजाइन के पीछे एक लॉजिक है। इनका ये डिजाइन इसलिए बनाया गया है कि अगर गाड़ी किसी वजह से पानी में गिर जाए तो इसकी मदद शीशा तोड़ा जा सकता है। नंबर 3, सिंक होल। दोस्तों, हर सेह में नीचे एक होल होता है जिसे पानी पाइप के जरिए बाहर जाता है। आपने होल के कवर देखे होंगे। मैं इनका मकसद सिंक पानी भरकर ये चीजों को वॉश करना होता है, लेकिन इनका भरकर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करता है। लेकिन शायद आपने सिंक में मौजूद एक साइड होल देखा होगा। ये होल हर सिंक में होता है, लेकिन इसको बनाने का मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। असल में होल घर में पानी भर जाने से बचाने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पर अगर शख्स नल ऊपर बंद करके भूल जाए तो पानी इसे होल के जरिए ड्रेन पाइप में चला जाएगा और पानी सिंक से बाहर नहीं आएगा। नंबर 2, होल्स ईयरफोन्स। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूजर है तो आपने इसके ईयरफोन्स पर बने हुए अजीब होल्स देखे होंगे। इवन ये होल्स हैंड फ्रीज में भी है। एक तो मैनुअल होल्स होता है जिसे म्यूजिक सुनाया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा होल्स भी हैंड फ्रीज में भी होता है। शायद आपको लगता होगा कि माइक के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन एक्स्ट्रा होल्स को साउंड क्वालिटी के लिए इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इंटरफेस को भी मिनिमाइज कर देती है। असल में सारे स्पीकर वाइब्रेशन पैदा कर देती है, वाइब्रेशन प्रेशर बनाती है जो कि मटेरियल डैमेज करती है। ये एप्पल डिवाइस होल्स बनाए हैं जो कि एयर सर्कुलेशन में मदद करती है और ये प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जैसे साउंड क्वालिटी इंप्रूव होती है और बेस्ट टिफ होती है। नंबर 1, स्ट्रिप ऑन प्लग। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप डेली बाल पेन पॉइंट यूज करते होंगे, लेकिन आपने कभी नोट किया है कि बाल पेन की कीप में हमेशा होल होता है। आप जिस कंपनी का भी खरीद सके उसका ये होल जरूर होता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि 90% लोगों की आदत होता है कि वो इस बाल पेन की इस कीप प्लास्टिक को चपाती है, जिसके जरिए गले में जाने की चांसेस बहुत ज्यादा होती। इवन हर साल ऐसे वह केस सामने आते हैं कि अगर कीप में ये होल ना हो तो सांस बंद हो जाती है। इसलिए ये होल बनाया जाता है ताकि इस केस में एयर सर्कुलेशन ना हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मजीद अच्छी इंफॉर्मेटिव मालूमती वीडियोस के लिए हमारा चैनल अता इंफॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको वक्त पर मिल सके।